तो हमारे समाज में बड़े लोगों के मुंह से मना निकलती है, वो करते नहीं है, कोई चैरिटी नहीं करते हैं। 300 करोड़ की शादी करेंगे ऑन रिकॉर्ड, ऑफ रिकॉर्ड होगी तो 1000 करोड़ की सगाई है, लेकिन एक पैसा चैरिटी में नहीं देंगे। तो ये दृष्टि है, जिन समाजों में दृष्टि होगी वो सर्वाइव करेंगे। जो समाज संग्रहवादी होंगे, लालची होंगे और किसी गरीब की मदद नहीं करेंगे, वो समाज सर्वाइव नहीं करेंगे। सबसे पहली समस्या जो थी यहाँ वो उसकी थी महादेव वाली। मैं उसमें प्रधानमंत्री जी के पास गया, उन्होंने अगले दिन एक्शन कराया। अभी जो सबसे बड़ी परेशानी है, जिसमें आप भी मदद कर सकती हैं शान्या जी, लगभग 1.5 लाख परिवार बिना काम के बैठे हैं जो माइनिंग के काम से जुड़े हुए। माइनिंग बंद होने से हमारा बहुत नुकसान हो गया। 2000 करोड़ की का रेवेन्यू मिलता था, आप समझिए कि 2000 करोड़ रुपया हर साल किटी में आएगा तो गोवा कितना ऊंचा जाएगा। वो बंद हो गया है, लोगों के रोजगार बंद हो गए हैं। अच्छी बात यह है कि हमारी सरकार यहाँ, यानी यहाँ की जो सरकार है मुख्यमंत्री के नेतृत्व में, ये लोग कुछ फार्मूला निकाल के लाए हैं। और मैं पिछले हफ्ते गृह मंत्री जी से मिला था, उनसे मैंने कहा है कि इन लोगों को बुला के जिस मुताबिक ये हल चाहते हो इसको हल करा दीजिए, गोवा बहुत दूर तक जाएगा, बहुत तरक्की करेगा। क्योंकि अकेले टूरिज्म से काम चलता नहीं, वो घटता रहता है, बढ़ता रहता है। अब हाई एंड टूरिज्म कम हो गया है, उस पर मैं डिबेट नहीं करूंगा लंबी, उसको भी बढ़ाना है। लेकिन अगर माइनिंग हमने हल कर लिया, माइनिंग का मसला, तो गोवा की बहुत तरक्की होगी। श्रीमंत लोक गोयन चैरिटी करपाक सोदिनान, चैरिटी केली जाल्यार माइनिंग ग्रस्त लोकांक खंय फायदो जातलो आशिल्लो। मुझे किसी पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी मत डालिए, आई एम फॉर गोवन पीपल। गोवा की सरकार जो कर रही है फुल्ली सपोर्ट करता हूँ, वो मेरी मदद मांगेंगे उसमें मैं पूरी मदद करूँगा। ये मेरे एम्बिट से बाहर का मेरा काम नहीं है, लेकिन सरकार जब समझेगी या मैं भी समझूंगा भाई गोवा के लोगों की जरूरत, उसमें मैं काम आऊँगा। माइनिंग के बारे में मैं श्योर हूँ, जिस तरह से चीफ मिनिस्टर काम कर रहे हैं और जो दृष्टि दिल्ली के नेताओं की है जिनसे मेरी बात हुई, ये रिजॉल्व हो जाएगा। आपने पता होम मिनिस्टर से बात की, उनसे मैंने रिक्वेस्ट किया कि इनको बुलाइए, इन लोगों के पास फॉर्मूला है, उसको सपोर्ट करके आगे बढ़ाइए, इसको सॉर्ट आउट करिए। गवर्नमेंट में से गवर्नमेंट या स्टेक होल्डर्स को पहले तो गवर्नमेंट जाएगी, गवर्नमेंट का सब स्टेक होल्डर्स से टच है। स्टेक होल्डर्स मुझे भी मिले थे, उनकी एसोसिएशन वगैरह जो है सब एक है। इस पर दूसरी पार्टियों को भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि कोई पॉलिटिक्स मत करिए, ना मादई पे करिए ना माइनिंग पे करिए, इसमें एक होके गोवंस की तरह खड़े रहिए, दोनों चीज़ें आपके हक में हो जाएंगी। तो मादई के आयु मादई के विषय पर सेंट्रल गवर्नमेंट से बात, मैं तो एक वक्त गया था, जो लेटर वाला मामला था वो एक दिन में सॉर्ट आउट हो गया था, इसके बाद मैंने अपने को अलग कर लिया। सरकार कर रही है, कामयाब होंगे, ठीक हो जाएगा। प्रूडेंटा खातिर ओमकार फरारी।